नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग फिर से मिनी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। 30-30 प्रश्नों का सेट रोज आता रहेगा, क्योंकि अभी रूल 70 के तहत हेड कांस्टेबल से ASI का एग्जाम इसी महीने अंतिम सप्ताह, जो कि 28-11 शायद संभावित डेट है, उसको एग्जाम होना है। तो तब तक जो है इनसे क्वेश्चन इसी तरह का मिनी टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण होता है। आप कितना जानकारी लिए हैं, उस जानकारी को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित करने के लिए टेस्ट काफी मायने रखता है। एक कोटेशन भी है आंद्रे अगासी का कि इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आप जीते। तो इसी कोट के साथ हम लोग शुरू करेंगे इसे, और साथ ही साथ अभी रूल 70 से जो एग्जाम हुआ है उसका भी कुछ दिन में क्वेश्चन आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस वीडियो से मेरे सवाल आए हैं, किस वीडियो से सवाल नहीं आए हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। साथ ही साथ एक और नई इनिशिएटिव आपके लिए कि आपके लिए एक वेबसाइट बना दिया गया है। आप गूगल में जाइए, www.rpfldc.com सर्च करिए, और आपको वहां पर जो भी ब्लॉग लिखे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं वहां पर देता रहूंगा, जो कि आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मिनी टेस्ट सीरीज को, जो पहला है। तो पहला सवाल आपके लिए है, फॉरवर्डिंग नोट जो कि प्रेषण टिप्पण जिसे हिंदी में कहते हैं, रेलवे एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट डिस्क्राइब्स फॉरवर्डिंग नोट? ऑप्शंस आर सेक्शन 60, सेक्शन 62, सेक्शन 64 या सेक्शन 66 है। आप फटाफट अपना आंसर कहीं लिख लें, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको आंसर भी बताता जाऊंगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। सेक्शन 64 में क्या है, फॉरवर्डिंग नोट के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर दो। रेल रसीद, रेलवे रिसिप्ट रेलवे एक्ट की किस धारा में वर्णित है? रेलवे रिसिप्ट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शन आर सेक्शन 61, सेक्शन 63, सेक्शन 65 या सेक्शन 66 है। क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सेक्शन 65 में बताया गया है रेलवे रसीद के बारे में, रेल रसीद के बारे में। चलते हैं आगे तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल आपके लिए है, प्रेषणों का खुला परिधान रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत की जाती है? ओपन डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट इज डन अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शन आर सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82 या सेक्शन 83 है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 81 में इसके बारे में बताया गया है, प्रेषणों का खुला परिधान, ओपन डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट। चलते हैं अगले सवाल पर। चौथा सवाल, प्रेषणों का भागतः परिधान रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत की जाती है? मतलब पार्शियल डिलीवरी जो होता है, पार्शियल डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट इज डन अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शन आर सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82 या सेक्शन 83। क्या सही उत्तर है, आप उसे टिक करिए। तो चौथे का सही उत्तर होगा दोस्तों सेक्शन 82 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सेक्शन 82 में बताया गया है पार्शियल डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट के बारे में। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर इन इंडियन पिनल कोड? ऑप्शन आर 484, 511, 500 या 200 है। बहुत ही आसान सवाल है, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 511 धाराएं हैं IPC में, इंडियन पिनल कोड में कुल 511 धाराएं हैं। छठा सवाल, लोक सेवक किस धारा में परिभाषित है? पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? ऑप्शन आर सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 21 या सेक्शन 23 है। ये भी बहुत आसान सवाल, सेक्शन 21 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सेक्शन 21 में लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, बलवा करने के लिए दंड IPC की किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ IPC डील्स विद पनिशमेंट फॉर राइटिंग, मतलब बलवा के लिए दंड? ऑप्शन आर सेक्शन 145, सेक्शन 147, सेक्शन 159 या सेक्शन 160 है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 147 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आठवें सवाल पर, IPC की किस धारा में सदोष अवरोध परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस रॉन्गफुल रेस्ट्रेन? देखिएगा यहाँ पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आर
सेक्शन 339, सेक्शन 340, सेक्शन 341 या सेक्शन 342। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 339 में जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे, नवा सवाल देखते हैं। नवा सवाल आपके लिए है परिवाद, जैसे कि कंप्लेंट बोलते हैं, परिवाद सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित है? कंप्लेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शन आर सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C या सेक्शन 2D है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2D में जो है परिवाद बताया गया है, कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। चलते हैं दसवें सवाल पर, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शन आर सेक्शन 41A, सेक्शन 41B, सेक्शन 41C या सेक्शन 41D। तो इन चारों सेक्शन में से आपके एक सवाल जरूर एग्जाम में रहेंगे, चारों को ध्यान से देख के जाइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 41 के बी में बताया गया है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में। चलेंगे आगे, अगला सवाल है समन की तामील कैसे की जाए? सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है समन हाउस सर्व्ड इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शन आर सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63, सेक्शन 64। अगर आपको सवाल को दिक्कत हो रही है हल करने में तो जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा सीआरपीसी के, वहां देखिएगा मैंने सारे सेक्शन को एलाबोरेट करके बताया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको, अगर एक बार वो वीडियो देख लेते हैं, किसी तरीके से सवाल घुमा फिरा करके भी अगर आपसे ट्विस्ट एंड टर्न मेथड से भी पूछा जाता है तो भी आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए 11 नंबर का देखते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यस ऑप्शन नंबर बी है, सेक्शन 62 में बताया गया है समन की तामील कैसे की जाए, जबकि सेक्शन 61 में समन का प्रारूप के बारे में बताया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग सीआरपीसी की किस धारा में वर्णित है? यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली या अनलॉफुल असेंबली इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शन आर सेक्शन 128, सेक्शन 129, सेक्शन 130 या सेक्शन 131 है। चलिए यहाँ पर भी मैंने आपको एक ही वीडियो में मैंने ये सारी चीज पढ़ाई है और उसमें 28, 29, 30, 31 और 32 पूरे धाराओं को कवर किया है, उसे भी जरूर देखिएगा, सीआरपीसी के प्लेलिस्ट में जरूर बताया है मैंने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 130 में, सॉरी सेक्शन 130 में इसके बारे में बताया गया है, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग जो है वो सेक्शन 130 सीआरपीसी में डिस्क्राइब किया गया है। चलते हैं आगे, 129 में सिविल बल का प्रयोग है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 है, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शन आर 161, 162, 163 या 164 में है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 161 में जो है पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस ऑफिसर इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन? तो सेक्शन 161 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं 14 नंबर सवाल पर, संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना सीआरपीसी की किस धारा में वर्णित है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ऑप्शन आर सेक्शन 161, सेक्शन 162 या सेक्शन 163 या सेक्शन 164 में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 164 में रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब किया गया है। चलेंगे आगे, 15 नंबर सवाल देखते हैं, विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? एक्सपर्ट ओपिनियन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईईए? ऑप्शन आर आईईए 44, आईईए 45, आईईए 46 या आईईए 48। यहाँ पर इसे सेक्शन 44, सेक्शन 45, सेक्शन 46 या सेक्शन 48 भी ऑप्शन में दे सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 45 में बताया गया है विशेषज्ञ की राय एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में। 16 नंबर सवाल, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ऑब्लिक चेयरमैन का नाम बदल के सीईओ हो गया है,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑब्लिक सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? ऑप्शन आर विनोद कुमार यादव, विजय कुमार यादव, ए के मित्तल या अश्वनी लोहानी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार यादव, जो कि अभी वर्तमान में सीईओ चेयरमैन रेलवे बोर्ड है। चलेंगे आगे, 17 नंबर सवाल है, निलंबन के दौरान बल सदस्य के उत्तरदायित्व तो, आरपीएफ के किस नियम में वर्णित है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोर्स मेंबर ड्यूरिंग सस्पेंशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल? ऑप्शन आर रूल 146, रूल 143, रूल 153 या रूल 134 है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रूल 143 में बताया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कि किसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोर्स मेंबर ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो अगर आप रूल के बारे में नहीं जान रहे हैं तो रूल के लिए भी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप वहां जरूर देखिए। सारे वीडियो जितने एग्जाम के लिए चाहिए वो इस चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से जहां से भी हो आप उसे देखिए। बाकी हिस्ट्री जैसे ही आपके लिए मैं बीच बीच में लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। चलते हैं 18 नंबर सवाल पर, आरपीएफ नियम के किस नियम में विशेष घटना रिपोर्ट वर्णित है? स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट, SOR जिसे बोलते हैं, इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल? ऑप्शन आर रूल 228, रूल 229, रूल 230 या रूल 231 में वर्णित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों रूल 230 में बताया गया है, किसके बारे में? SOR के बारे में। चलेंगे आगे, अगला सवाल है, आरपीएफ एक्ट की किस धारा में बिना वारंट गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है? अरेस्ट विदाउट वारंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? ऑप्शन आर सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 या सेक्शन 17 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 12 में बताया गया है अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में। चलेंगे अगले सवाल पर, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑफिशियल लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 343 या आर्टिकल 344 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 343 में बताया गया है राजभाषा के बारे में। चलिए चलते हैं आगे, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? बहुत ही सिंपल सवाल है, विच लैंग्वेज हैज बीन एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर अंग्रेजी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली या हिंदी है। ऑब्वियसली बहुत आसान सवाल है, हिंदी इसका सही उत्तर होगा। चलेंगे 22 नंबर सवाल पर, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? देखिएगा, इन विच ईयर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नॉट रूल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेड? ऑप्शन आर 1961, 1962, 1963 या 1964 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1963, इन द ईयर ऑफ 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हैज या हैड मीट या मीट। चलेंगे आगे, 23 नंबर सवाल देखिए, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? हाउ मेनी रीजन्स इंडिया इज डिवाइडेड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976? तो ये क्या है, 2, 3, 4 या 5 में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 रीजन में बांटा गया है, ए बी और सी रीजन में बांटा गया है। आप जब वेबसाइट पर विजिट करेंगे www.rpfldc.com पर, तो वहां मैंने राजभाषा नियम अधिनियम इन दोनों को साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन तीनों को आर्टिकल लिखा है, आप उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हिंदी में उसे देखना चाहते हैं तो दाहिने साइड में मैंने गूगल ट्रांसलेटर भी लगा रखा है, आप वहां जाकर के उसे हिंदी कर लेंगे तो आपको सारे मेरे ब्लॉग हिंदी में दिखने लगेंगे। और संभवतः हिंदी में थोड़ी सी गूगल ट्रांसलेशन की मिस्टेक हो सकती है, उसे आप पढ़ते समय अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, और धीरे धीरे इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में भी ब्लॉग आपके लिए सारे ब्लॉग लेकर के आऊंगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, आरपीएफ एक्ट के किस धारा में कायरता के लिए दंड का वर्णन है? Which section of RPF Act describes the punishment for cowardness? कायरता के लिए, section 9, section 11, section 17 या section 20? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों section 17 में बताया गया है, किसके बारे में? कायरता के बारे में। चलेंगे देखते हैं 25 नंबर सवाल, वरिष्ठ अधिकारी आरपीयूपी एक्ट के किस धारा में परिभाषित है? सुपीरियर ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट? ऑप्शन आर सेक्शन 2A, सेक्शन 2C, सेक्शन 2E या सेक्शन 2F है। इसका सही उत्तर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2E में बताया गया है वरिष्ठ अधिकारी कहाँ परिभाषित है। इस तरह का सवाल जैसे भी हो आप उसमें एक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या वो RPUP है, रेलवे एक्ट है, रूल है, क्या है, उस एक्ट के बारे में जरूर ध्यान से देखिएगा। चलेंगे 26 नंबर सवाल पर। RPUP एक्ट की कौन सी धारा में रेल संपत्ति की चोरी का दंड वर्णित है। विच सेक्शन ऑफ RPUP एक्ट इज डिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। ऑप्शन 7 सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या सेक्शन 6। बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, सेक्शन 3 में है। RPUP एक्ट में रेलवे प्रॉपर्टी के पनिश थेफ्ट के बारे में, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं 27 नंबर सवाल। हॉर्स पाइप को टेम्पर करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है। टेम्परिंग ऑफ हॉर्स पाइप इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। ऑप्शन 7 सेक्शन 174, सेक्शन 174A, सेक्शन 174B या सेक्शन 174C। इस सवाल को अगर आपको बाइफरकेट करके ऑप्शन नहीं आता है तो आप इसे आसानी से 174 टिक कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें आपको बाइफरकेट करके पूछे कि 174A, B या C करके, तो आप ध्यान से इस सवाल को हल करिएगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 174C में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति हॉर्स पाइप टेम्पर करता है तो वो किस तरह दंडनीय है। आएंगे 28 नंबर सवाल पर। यदि रेल सेवक अनावश्यक रूप से समतल क्रॉसिंग को जनता के लिए बंद रखता है तो वह रेलवे एक्ट के किस धारा के तहत दंडनीय है। इफ एनी रेलवे सर्वेंट अननेसेसरली कीप्स अ लेवल क्रॉसिंग क्लोज्ड अगेंस्ट द पब्लिक इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। ऑप्शन 7 सेक्शन 174, 175 या सेक्शन 176A या सेक्शन 176B में वर्णित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 176 के B में बताया गया है। यहाँ आंसर गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सेक्शन 176B में बताया गया है यदि कोई रेल सेवक अनावश्यक रूप से समतल क्रॉसिंग को जनता के लिए बंद रखता है। चलते हैं अब लास्ट स्लाइड, चलते हैं 29 नंबर सवाल पर। यदि रेल संपत्ति में कोई कमी पाई जाए तो रेल सुरक्षा बल के किस नियम के तहत मामला दर्ज होता है। इन एनी डेफिशिएंसी फाउंड इन रेलवे प्रॉपर्टी देन अंडर विच रूल वी रजिस्टर अ केस। ऑप्शन 4 रूल 223, रूल 221, रूल 222 या नन ऑफ डीज। सही उत्तर है दोस्तों रूल 222 के तहत जो है जब डेफिशिएंसी फाउंड होता है रेलवे प्रॉपर्टी में तो हम केस को रजिस्टर करते हैं। आज के मिनी टेस्ट का अंतिम सवाल, रेल सुरक्षा बल के किस नियम के तहत हम मामलों को स्थानांतरण करते हैं। अंडर विच RPF रूल इम्पावर्स द ट्रांसफर ऑफ केसेस। ऑप्शन आर रूल 224, रूल 226, रूल 231 और रूल 225 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रूल 226 के तहत जो है ट्रांसफर ऑफ द केसेस करते हैं। चलिए आज की इस मिनी टेस्ट में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण सवालों का जिक्र किया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ जरूर वेबसाइट को एक बार विजिट करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।